हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोफिनो। दोस्तों, रिसेंटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उनके टॉप मोस्ट क्रेडिट कार्ड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्राइवेट इसको लॉन्च किया है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस कार्ड के फीचर, बेनिफिट और चार्जेस के बारे में, और वीडियो के एंड में इस कार्ड के बारे में मेरा ओपिनियन। IDFC फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में बात करें तो इस कार्ड को लेने के बाद, इस कार्ड के फीस पे करने के बाद आपको बोनस 2 लाख रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, जिसका वैल्यू होता है 50,000। मतलब आपको इफेक्टिवली बस इसका जो GST है वो देना होगा। और इस कार्ड को लेने के बाद आपको ताज एफिक्यू और मेंबरशिप भी मिल जाएगा। इस कार्ड के मेन बेनिफिट के बारे में बात करें तो इस कार्ड को यूज करके आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट में अनलिमिटेड लॉन्ज एक्सेस और स्पा एक्सेस मिल जाएगा, प्राइमरी और एडऑन दोनों कार्ड होल्डर को ही। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको अनलिमिटेड लॉन्ज एक्सेस मिल जाएगा, प्राइमरी और एडऑन दोनों कार्ड होल्डर को ही। IDFC फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड के साथ आपको ड्रीम फोक्स कार्ड मिल जाएगा, और इसको यूज करके आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लॉन्ज एक्सेस और डोमेस्टिक एयरपोर्ट में स्पा एक्सेस कर सकते हो। इस कार्ड के गोल्फ बेनिफिट के बारे में बात करें तो इस कार्ड का गोल्फ बेनिफिट वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस बेनिफिट है इस कार्ड का। अगर आप इस कार्ड को यूज करके एक स्टेटमेंट साइकिल में 20,000 स्पेंड करते हो तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ राउंड या फिर गोल्फ लेशन खेलने को मिल जाएगा। अगर आप 40,000 स्पेंड करते हो तो आपको और एक मिल जाएगा, मतलब टोटल 2 मिलेगा। और ऐसे आपको एक महीने में 2 गोल्फ के बेनिफिट मिल सकता है मैक्सिमम। मतलब बहुत ही बेकार बेनिफिट है। एक भी पैसा अगर आप स्पेंड ना करो इस कार्ड को यूज करके तो आपको कोई भी गोल्फ बेनिफिट नहीं मिलेगा इस कार्ड से। अगर आप इस कार्ड को यूज करके बुक माई शो से कोई भी मूवी टिकट, नॉन मूवी टिकट बुक करते हो तो आपको पर टिकट 750 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है, और आपको ये एक महीने में 2 बार यूज करने को मिल जाएगा। मतलब टोटल आपको 1,500 पर मंथ का डिस्काउंट मिल जाएगा। IDFC फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड के कुछ और बेनिफिट के बारे में बात करें तो इस कार्ड में आपको 0 मार्कअप चार्जेस का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। आपको रोड साइड असिस्टेंट कवर मिल जाएगा, जिसका प्राइस होता है 1,399 रुपीज। कोई भी लेट पेमेंट फीस आपको इस कार्ड पे देखने को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल का बेनिफिट अप टू 48 डेज तक का आपको मिल जाएगा, और इस कार्ड का मिनिमम क्रेडिट लिमिट होगा 20 लाख रुपीज। और इस कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में बात करें तो इस कार्ड को यूज करके ऑनलाइन एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पे आपको 6 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा। एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 25 पैसा, तो रिवॉर्ड रेट होता है 1.5% का। और ऑफलाइन में स्पेंड करने पे आपको एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पे 3 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा, मतलब रिवॉर्ड रेट होता है 0.75% का। और जब आप इस कार्ड को यूज करके एक महीने में 30,000 के ऊपर स्पेंड कर लेंगे तो 30,000 के ऊपर जो भी आपका स्पेंडिंग होगा, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन, आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा। मतलब एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल जाएगा, मतलब रिवॉर्ड रेट होता है 2.5% का। और कोई भी ट्रांजैक्शन आप करो, फ्यूल में, इंश्योरेंस के प्रीमियम पेमेंट में, EMI ट्रांजैक्शन, कैश विड्रॉल या फिर कोई भी कैश ट्रांजैक्शन, इसमें आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। रेंटल पेमेंट अगर आप करेंगे तो वो 10x के पार्ट नहीं होगा, मतलब रेंटल पेमेंट में आपको 3x पॉइंट मिलेगा, पर वो 10x काउंट में नहीं जाएगा। मतलब अगर आप 50,000 का रेंट पेमेंट करते हो तो 30,000 के ऊपर आपको 10x नहीं मिलेगा। रेंटल पेमेंट 10x के जो माइलस्टोन है उसमें काउंट नहीं होगा। और इस कार्ड के जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो आप ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन को पे करने के लिए यूज कर सकते हो, मतलब स्टेटमेंट कैश के हिसाब से इसको यूज किया जा सकता है, और गिफ्ट वाउचर लेने के लिए भी आप इस रिवॉर्ड पॉइंट को यूज कर सकते हो। IDFC फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड में आपको एक और पॉइंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, कर्मा पॉइंट। अगर आप 30,000 के ऊपर स्पेंड करते हो एक बिलिंग साइकिल में तो आपको एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पे 1 कर्मा पॉइंट मिलेगा। 1 कर्मा पॉइंट इक्वल टू 0.25 रुपीज। और जो फ्यूल ट्रांजैक्शन होगा, EMI ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, कैश विड्रॉल, रेंटल पेमेंट, इसमें आपको कोई भी कर्मा पॉइंट नहीं मिलेगा। और जब आप टोटल 20,000 कर्मा पॉइंट जमा कर लेंगे, मतलब जिसका वैल्यू होता है 5,000 रुपीज, तो ये सारे कर्मा पॉइंट आपके आपने जो चूज कर रखा होगा
जो चैरिटी उसमें डोनेट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो तो साल के एंड में आपको टैक्स सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा इस डोनेशन अमाउंट का। IDFC फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में बात करें तो इस कार्ड का ज्वाइनिंग चार्जेस है 50,000 प्लस GST और इस कार्ड का एनुअल चार्जेस है 50,000 प्लस GST। और इस कार्ड में कोई भी रिवर्सल क्राइटेरिया आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब आप इस कार्ड को यूज करके कुछ भी अमाउंट स्पेंड कर लो, 1 करोड़ 2 करोड़, आपको रिवर्सल नहीं मिलेगा। एनुअल चार्जेस 50,000 प्लस GST आपको देना होगा। इस कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो ये कार्ड इनवाइट ओनली कार्ड है, इसका कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसा नहीं है। अगर आपको बैंक की तरफ से इनवाइट मिलता है तो ये कार्ड आप ले सकते हो। हाँ, इस कार्ड के लिए आप रिक्वेस्ट दे सकते हो, इंटरेस्ट शो कर सकते हो, पर गारंटी के साथ कोई भी नहीं बोल सकता आपको ये कार्ड मिलेगा कि नहीं। पर मुझे एक चीज तो लगता है कि कौन ये कार्ड लेना चाहेगा, मतलब ये कार्ड कुछ उतना भी खास नहीं है, इसमें बेनिफिट रिवर्स सिस्टम उतना भी अच्छा नहीं है कि 50,000 प्लस GST चार्जेस हम लोग दे इस कार्ड के लिए, तो कौन ही इस कार्ड को लेना चाहेगा। दोस्तों, IDFC फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही ओवर प्राइस्ड क्रेडिट कार्ड है। इस कार्ड का जो बेनिफिट है, जो रिवॉर्ड सिस्टम है, उसमें ऐसा कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि इस कार्ड के हाई एनुअल फीस 50,000 प्लस GST को जस्टिफाई कर सके। अगर हम इस कार्ड को एक्सिस मैग्नस जिसका चार्जेस 10,000 है और HDFC इन्फिनिया जिसका चार्जेस 12,500 है तो इनके साथ कंपेयर करें तो एक्सिस मैग्नस और HDFC इन्फिनिया के सामने IDFC फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड टिक भी नहीं पाएगा। और इस कार्ड का जो चार्जेस है 50,000 प्लस GST, इसके बदले आपको क्या मिलता है, 0.75% से लेकर 2.5% के अंदर रिवार्ड रेट। गोल्फ के बेनिफिट अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको स्पेंड करना होगा, विदाउट एक भी पैसा स्पेंडिंग आपको एक भी गोल्फ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इस कार्ड के जो बाकी बेनिफिट है जैसे कि लॉन्च एक्सेस, तो बेनिफिट के जो पेज है वहां पे लिखा है अनलिमिटेड लॉन्च एक्सेस एंड स्पा एक्सेस, पर जो TNC है अगर आप उसको देखेंगे तो वहां पे 4 per quarter का एक कैपिंग है। मतलब मुझे नहीं पता कि कौन सा बेनिफिट आपको मिलेगा एक्चुअल में, क्योंकि बेनिफिट पेज में अनलिमिटेड है और TNC में 4 per quarter है, तो बैंक खुद ही कंफ्यूज्ड है। मतलब सीरियसली, एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के लिए आपको आपके कस्टमर को 50,000 प्लस GST चार्ज करना है, बहुत बहुत ही बुरा क्रेडिट कार्ड है ये क्रेडिट कार्ड। मैंने इस कार्ड को एक्सिस रिजर्व कार्ड के साथ कंपेयर नहीं किया जबकि इन दोनों कार्ड का फीस बिल्कुल सेम है 50,000 प्लस GST। मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि जो एक्सिस रिजर्व कार्ड है वो 50,000 प्लस GST जो कैटेगरी है, जो लग्जरी कैटेगरी है, उसका किंग है। और ये कार्ड, इस कार्ड के लिए मैं 5,000 प्लस GST भी चार्ज ना दूं, मतलब ऐसे क्रेडिट कार्ड के लिए कौन सा चार्जेस आप देना चाहोगे। मेरे ओपिनियन में अगर इस कार्ड का चार्जेस 2,000 प्लस GST होता तो सही होता। इस कार्ड को देखने के बाद, इस कार्ड के जो बेनिफिट है, फीचर्स है, रिवॉर्ड सिस्टम है, उसको देखने के बाद ICICI एमरिल्ड कार्ड, जो कि एक बहुत ही घटिया कार्ड मेरे ओपिनियन में है, उस कार्ड के लिए भी मेरा जो रिस्पेक्ट है वो 100 गुना बढ़ चुका है। मतलब क्या ही बोलूं मैं इस कार्ड के बारे में। और इस कार्ड को देखने के बाद मुझे लगता है कि IDFC फर्स्ट बैंक को उनका जो प्रोडक्ट डिजाइनर है, जो कि इस कार्ड के बेनिफिट फीचर्स को डिजाइन किया है, उनको चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों, बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।